क्यों भूल न पाए रे ओ मनवा। कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे, अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे ओ मनवा। साल के बाद सुनिए मेरी प्रार्थना तुमने माँ, अब उसे आने के बाद जाने नहीं देना। उसे बता देना कि उसके देश की धरती, इस गांव की धरती बहुत सुंदर है। यहाँ के सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ की हर चीज सुंदर है। अब चलती हूँ, उसके लिए सजना चाहिए मुझे। अरे निजला बिटिया, प्रसाद तो लेते जाओ। अरे पुजारी जी, हम आएंगे शाम को उनके साथ, तभी लेंगे साथ में प्रसाद। संभल के धीरे चलो, हाँ? चोट लग जाएगी बेटा, खुश रहो। तुम्हें पता है आज तुम्हारा बाल सखा करण भी आ रहा है। पता है अंकल? पता है? अरे लेकिन चली गई, कितनी अच्छी बच्ची है। इसके पिता भानु प्रताप, वो भी अगर किसानों के प्रति इतना ही प्रेम रखता तो कितना अच्छा होता। उसे तो जमीन छीनने की भूख है। गरीब किसान भाइयों से उनकी धरती मां छीन कर उन्हें अनाथ बना देता है। इतना भी नहीं समझता निर्दयी। किसान के लिए उसकी मां से बिछड़ने का दुख कितना असहनीय होता है। जीते जी मर जाता है धरती पुत्र। अकाल से नदियां तालाब सूख रहे, धरती चटक रही है, और भानु प्रताप किसानों की भूख का लाभ उठाकर चंद रुपयों में उनसे उनकी मां छीन रहा है। बंद करना होगा ये खेल भानु प्रताप, बंद करना होगा। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अंदर तो मैं तभी आऊंगा मां जब हम किसानों की धरती मां हमसे प्रसन्न होंगे। हर किसान लहराती फसलों में अपने जीवन की खुशी पालेगा। तू तो जगत जननी है मां, सब जानती। अब तुझ पे निर्भर है कि तू कब बुलाती है इस तुच्छ धरती पुत्र को। बहुत इच्छा है मां कि तेरे चरणों में माथा टेकू और खुशियों के आंसू बहाओ। दया कर, कृपा करो। कोटि कोटि प्रणाम।
कोटि कोटि पड़ा। तेरा दुख देखकर हम भी तो दुखी हुए ना। बस बस अभी घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, है कि नहीं? लेकिन हमारे भी सीने में दिल है, तो धड़कता है, अच्छे काम करना चाहता है। लेकिन क्या है ना, देख तुझे पैसे देने के लिए कहीं से पैसे उठाने पड़ते हैं। और रही बात इस नई पीढ़ी की, तो इसे भी तो हिसाब किताब देना पड़ता है ना। देख, सो बात की एक बात, सूद तो लगेगा, है कि नहीं? जगत काका ने तुम सबके नाम लिखवाए थे सरकार निधि योजना में, तुम सबके पैसे मिले कि नहीं मिले? मिला ना साहब, 2000 पिछले महीने सारा पुराना सूद तो आप ही को दे दिए थे, बाकी कुछ बचा था तो बच्चों को रोटियां खिला दी। क्या हुआ? पैसे दे दो बाबू, पैसे दे दो। कर दिया ना भाऊ को इसको, हाँ? हमारा बेटा कितना अच्छा है, हाँ? उसका मन मोम जैसा है, पिघल जाता है यूं। चल ठीक है, कागज ले आना, पैसे ले जाना। हाँ, कागज ले आना और पैसे ले जाना। चलो गाड़ी निकाल। अरे बाबूजी, कहाँ जाना है? अरे भूल गया तू, अरे वो अपना कृपा शंकर, उसकी बेटी की शादी है, पैसे देने हैं, कुछ तो पुण्य का काम कर तू, कभी तो समझ, है कि नहीं? लो बड़े भैया, तुम लोग जाओ, पैसे मिल जाए। राम 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 राम, जाओ जाओ जाओ, कागज ले आना, पैसे ले जाना, जाओ। अरे कागज ले आना, पैसे ले जाना। बड़े भैया प्रणाम, प्रणिपात। प्रणाम, कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है, आप कैसे हैं? मुझे कुछ जमीन चाहिए थी। बड़े भैया कमाल करते हैं, आपको जमीन चाहिए? अरे पूरा गांव अपना है, कितनी जमीन चाहिए आप बताइए हमें। क्या तुम कल आ सकते हैं? हाँ भैया आ जाएंगे, शाम को आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे हम लोग। प्रणिपात भैया, प्रणिपात भैया, एक बात बताओ भाऊजी, ये बड़े भाऊजी हमें शहर क्यों बुला रहे हैं? अरे कोई उद्योगपति है, गांव में कारखाना खोलना चाह रहा है, बहुत बड़ा। बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे। चलो लो, कहां से मंदिर से आ रही हो ना? हाँ पापा, वो आज हमारा बचपन का दोस्त बाल सका करण जो आ रहा है, तो बस उसी के लिए तोहफा लेने गए थे। वो जगत नारायण जी का छोटा बेटा जो 3 साल से अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, जो वहीं बसा हुआ है, वही ना इतने साल बाद अपने परिवार से मिलने हमारे गांव आया है, है कि नहीं? मिले नहीं पापा, वो सदा के लिए ना स्वदेश वापस आ रहे हैं। आप जानते उन्होंने विदेश में कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक में डिग्री जो हासिल की है। अब देखना किसानों का जीवन ना बिल्कुल बदल जाएगा। अरे बेटा नाश्ता तो करके जा।
अभी तक मैंने भी नहीं किया तेरे इंतजार में। अरे माँ हम ना बाद में कर लेंगे, आप खा लो। अरे लेकिन नाश्ता ठंडा हो जाएगा, हम बाद में खा लेंगे। सुनो तो सही, अरे आप ही संभालिए जाते। देखो हमारे मित्र हैं अपने वही राम तिवारी जो विधायक हैं, वो हमेशा कहते थे कि भाड़ में गई नौकरी बेचा है बंदूक, फिर कर लेंगे नौकरी, फिर खरीद लेंगे बंदूक, अभी चले। अरे भाजी एक बात तो बताओ, आप तो ये सूखे का लाभ उठाकर ये सब खेत खलियान अपने कब्जे में करने का ख्वाब देख रहे थे, अब ये करण आ गया है। क्या ना बुढ़बाक, ये क्या है ना, अभी हमारी बात ध्यान से सुन। हमारे जो बड़े भैया जिनसे भी बात हुई, वो गांव से शहर गए थे अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए, हुआ क्या वहां जाकर बस गए, ब्याह कर लिया। और रही बात इस करण की, ये तो अमेरिका में रहा है, अमेरिका की हवा लगी उसे, और 3 साल बाद अगर कोई अमेरिका से यहाँ आता है तो वो यहाँ कैसे रह सकता है, असंभव है। लेकिन भाऊजी, अरे अगर वो सुन ना मेरी बात, क्या है अगर वो यहाँ रहता है तो गांव के विकास में हमारी मदद करेगा ना, वैसे भी निर्जला का बचपन का दोस्त है वो, और सुन तू भी दोस्ती कर ले उससे, क्या है जिस गांव के विकास करने में सबसे प्रतिभाशाली लोग कौन है, हम लोग। अब जल्दी चलो, कृपा शंकर जी के यहाँ जाना है, कागज लेने और पैसे देने हैं, चलो गाड़ी चला रहे, चल चलो 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 स्टार्ट करो, आओ आगे। मैं मानता हूँ कि सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है, सरकार चिंतित है हमारे, हमारा भविष्य वो है। जब तक हर किसान का हर बेटा हर बेटी शिक्षित नहीं होगा तो उसका भविष्य उज्ज्वल होगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ठीक है, क्या रहे घर पे? राम राम, कैसा भाई? सब बढ़िया है। घर पे दो तो बेट, ठीक है ना? चल। नहीं शंकर, ऐसे बच्चों की तरह रोते हैं क्या? शंकर सुन मेरी बात, जिंदगी चलते रहने का, संघर्ष करते रहने का नाम है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। करण आ रहा है मेरा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा ठीक और कब होगा भैया? शंकर 26 साल पहले मैंने करण के रूप में अपने किसान भाइयों के लिए सपना देखा था, और उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने और मेरे परिवार वालों ने अपना पेट काट के करण को कृषि की शिक्षा कराई, और उसकी शिक्षा के लिए उसके बड़े भाई ने किशन ने अपनी शिक्षा त्याग दी। ट्रैक्टर तो कर्जा लेके अभी लिया है, लेकिन तुम तो जानते हो, लेकिन किशन ने बैलों की तरह जुट के मेरे साथ खेतों में काम किया है, जानते हो ना तुम? किशन बेटा का और पूरे परिवार का बलिदान हमने देखा है करण के लिए जगत भैया, हम जानते हैं और पूरा गांव जानता है। 26 साल इंतजार किया है किसानों की खुशहाली देखने के लिए, करण मेरा बेटा नहीं, मेरे किसान भाइयों का सपना है। उसने अंग्रेजी तकनीक सीखी है, कम पानी में सूखे में भी
अच्छी फसल पैदा करना सीखा है वो, कृषि वैज्ञानिक बना है, वो सिखाएगा हमें। यही तो आपका उद्देश्य था जगत भैया। उसके बाद मेरा दूसरा लक्ष्य है अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूलों की व्यवस्था करना। मैं मानता हूँ कि सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है, सरकार चिंतित है हमारे, और हमारा भविष्य वो है जब तक हर किसान का हर बेटा हर बेटी शिक्षित नहीं होगा तो उसका भविष्य उज्जवल होगा, किसान की सब समस्या जड़ से नष्ट हो जाएगी। जगत भैया आप पर भी विश्वास है, लेकिन 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 कुछ नहीं शंकर, ये समझो दुख के दिन बीत गए। तुम देखना धरती माँ की छाती से निकली लहराती फसल की कमाई से हर किसान भानु प्रताप का एक एक पैसा चुकाएगा और अपनी धरती माँ को मुक्त कराएगा। जगत भैया आप तो मरते हुए इंसान में भी जान डाल देते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता कहां से साहस लाऊं। बूढ़ी होती जा रही हड्डियों के साथ साथ अब हिम्मत भी बुढ़िया गई है जगत भैया। ऐसा कुछ नहीं है शंकर, ऐसा कुछ नहीं। और हाँ वो सरकारी किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त भी आने वाली है, सबके नाम मंजूर करवाया मैंने और पहली किस्त मिल भी चुकी है। कल ही ग्रामीण बैंक अधिकारी से बात हो रही थी मेरी, इस हफ्ते सबको पैसे मिल जाएंगे। और हाँ कृषि अधिकारी बता रहे थे कि इस साल बरसात जोर की होगी। भगवान को शायद दया आ जाए जगत भैया, 3 साल से लगातार जगत भैया फसलें बर्बाद हो रही हैं, कभी सूखे से कभी बेमौसम बरसात से, ऊपर से भानु प्रताप का कर्जा, कल रुद्रा बाबू घर आए थे और चेतावनी देकर गए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अगर सूद नहीं दिया तो घर के कागज दे देना, जो निकलेगा दे दूंगा। मैं बात करूंगा भानु प्रताप से और अगर बाहुबल दिखाएगा ना तो पूरे गांव के साथ उसकी हवेली के सामने धरना देंगे, बताएंगे उसको किसान एकता शक्ति क्या होती है, फिर बताएंगे। उनकी प्रेम भरी बातों में आकर मुझे कर्ज नहीं लेना चाहिए था, मैं तो पहले ही कहा था है? क्या जरूरत है, जब सरकार आसान किश्तों पे कर्ज बैंकों से दिलवा रही है और अब तो ब्याज भी माफ कर दिया ना। अब देखो कृपा शंकर का कर्ज मंजूर करवा रहा हूँ ना, 1-2 दिन में उसका किसान प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा, बस फिर देखना कैसे धूमधाम से उसकी बिटिया का शादी होती है। हे भगवान उसे ठाकुर से कर्ज ना लेना पड़े। शिवगा तुम चिंता मत करो, रोना धोना बंद करो, अपना ख्याल रखो, चल मैं चलता हूँ। करण बेटवा कब आ रहे हैं? आज दोपहर को आ रहा है, बस आज विश्राम करने दूंगा उसे, कल चौपाल पे लेके आता हूँ, सारे किसान भाई भी इकट्ठे हो रहे हैं, खुश हो जाओ, खुशी के दिन आ गए, अपना कृषि वैज्ञानिक आ गया है। एक भी किसान भाई अब दुखी नहीं रहेगा, तुम देख लेना। देखना चारों तरफ खुशहाली हरियाली छा जाएगी। अब इतनी बड़ी सरकारी योजना है उनका भी तो लाभ उठाना है ना? अरे अरे बाबूजी आइए चलिए स्टेशन चलते हैं, करण आ रहा है। अरे किशन तुम ये बैंड बाजा लेके और पूरा गांव लेके करण को लेने जा रहे हो है? अरे वो कोई राजा महाराजा नहीं है, किसान पुत्र है वो। बाबूजी वो किसान पुत्र है लेकिन इस प्रकृति की मार से हम कमजोर किसानों की धरती माँ का कृषि डॉक्टर आ रहा है, वो भी अमेरिका से, तो स्वागत तो करना बनता है, क्यों नहीं स्वागत करना बनता है कि नहीं? ठीक है अब तुम जाओ और से लेके आओ घर है, जाओ जाओ। ठीक है बाबूजी जाते, चलो चलो चलो। मिश्री को छेड़ने का अवसर ही छीन लेती है हमसे, अब एक ही ननद है हमारी गुइया, कुछ दिन में वो भी ससुराल चली जाएगी। तेरी गुइया कहीं नहीं जा रही,
और ससुराल तो इतनी जल्दी जाएगी भी नहीं। बहुत अवसर है तेरे पास उसे छेड़ने का। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अभी तक सो रही है किशन बहू? वैसे तो मिश्री बड़ी जल्दी उठ जाती है, और आज जब उसके भाई के आने का समय हो गया है अभी तक सो रही है वो, समझ नहीं आता। मैं देखती हूँ, अगर सो रही होगी तो जगा लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने ही दो। हम जानते हैं अगर तुम गई ना जगाने तो उसकी चुटकी लिए भी ना तुम उठाओगी नहीं उसे। अम्मी उठा के लाते हैं अपनी रंगोली कर। जी अम्मा जी। मिश्री, 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 अरे उठ ना मिश्री, उठ जा बेटा, उठ चल। कल से पूरा घर सर पे उठा लिया है, चल उठ। कल से तुमने पूरा घर सजा भी दिया है और तुम अभी तक सो रही हो। उठ जा बेटा, देख तुम्हारे भाई के आने का वक्त हो गया है, उठ उठ उठ। अम्मा जी भी ना मिश्री को छेड़ने का अवसर ही छीन लेती है हमसे। अब एक ही ननद है हमारी गुइया, कुछ दिन में वो भी ससुराल चली जाएगी। तेरी गुइया कहीं नहीं जा रही और ससुराल तो इतनी जल्दी जाएगी भी नहीं। बहुत अवसर है तेरे पास उसे छेड़ने का। कैसी रंगोली बना रही, ढंग से बना। हाँ। मिश्री, 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 मतलब तू सज धज के तैयार होके सो रही थी, ओरक बना रही थी ना मुझे। हाँ चल उठ फटाफट, आ जा जल्दी नीचे। तेरी भौजी और तेरी बुआ रंगोली बना रहे, उनके साथ उनका हाथ बटा। ठीक है चल आ जा, चल अब मैं वापस बुलाने नहीं आऊंगी, फटाफट आ जा चल। हे धरती माँ, आज नया दिन शुरू हुआ है, मेरे भैया अमेरिका से आ रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दो, मैं सबको खुश रखूं और मेरा सारा गांव खुश रहे। माँ ये मेरी दोस्त मानसी है। बाबूजी हम सोच रहे हैं कि जगत काका का किसानों के प्रति जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम कैसे किया जाए। कम नहीं करना है, इस प्रभाव को खत्म करना है, समाप्त करना है, जड़ से उखाड़ के फेंकना है। बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है तुम्हें। हाँ रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।